बिल्ड्स किट ने हाल ही में अपनी पेंट स्प्रेयर मशीन का नया वर्जन लॉन्च करा है, तो आज की वीडियो में इसी को कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट्स इसमें आई हैं और क्यों ये मशीन इंडिया में इस वक्त बेस्ट पेंट स्प्रेयर मशीन है मेरी राय में। अनबॉक्सिंग से पहले इसके बॉक्स पे जो फीचर्स लिखे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 पैटर्न्स मिलते हैं आपको इस पेंट मशीन में और इंटरचेंजेबल प्लास्टिक नोजल्स भी मिल जाती है और यूज़र फ्रेंडली तो है ही ये प्रोडक्ट। और ये सारी और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, इस पेंट मशीन का ये मॉडल नंबर है और कंपनी की डिटेल्स भी दी गई है। बिल्ड स्किल के और भी बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं, तो सारे प्रोडक्ट्स आप इनकी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। बॉक्स पे एक सील भी लगी मिलती है, तो इससे आपको एक तरह से श्योरिटी मिलती है कि प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छी कंडीशन में डिलीवर होगा। स्प्रे गन के लिए यूज़र्स मैनुअल दिया है, साथ में कुछ ओरिंग्स और एक इसका स्पेशल टूल दिया गया है जिसके ज़रिए इसकी नोजल को क्लीन करा जाता है। ये इसका पेंट का कंटेनर है, इसके अंदर आपको पेंट के विस्कोसिटी मेजर करने के लिए कप मिल जाता है और एक नोजल मिल जाती है। ये इसके पेंट नोजल है और साइज़ देख सकते हैं आप, पहले मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है इन्होंने। स्प्रे पैटर्न एडजस्ट करने के लिए ये जॉग व्हील, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। अब ये रबराइज्ड फिनिश में आता है। अंदर की तरफ सीलिंग के लिए हाई डेंसिटी फोम रिंग का इस्तेमाल करा है और इसकी प्लास्टिक नोजल कुछ इस तरीके से लग जाती है, बल्कि जो सक्शन ट्यूब्स हैं इन्होंने एक एक्स्ट्रा दी है, इनकेस किसी भी तरीके से ब्रेक हो जाए तो आपका काम ना रुके इससे भी। कंटेनर को अटैच करने के लिए सिंपली इसे लगा के ट्विस्ट करें और पूरी गन को अटैच करने के लिए सिंपली इसको इस तरीके से रख के आपको ट्विस्ट करना है और बस यहाँ से आप इंश्योर कर लें कि इसका नुक्का इसमें अच्छे से फंस जाए ताकि ये वापस ना निकले। और अगर इसको आप अनलॉक करना चाहते हैं तो इस वाले बटन को दबा के इस तरीके से वापस एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगी। पेंट रिफिलिंग के लिए भी अब इसमें ऊपर की तरफ एक कंपार्टमेंट दिया गया है जिसके ज़रिए बिना कंटेनर को अनस्क्रू करे आप ऊपर से ही पेंट रिफिल कर सकते हैं, इससे टाइम काफ़ी सेव होता है। पेंट स्प्रेयर में जो एयर फिल्टर होता है नीचे की तरफ लग के आता है, पहले बैक साइड पर लगा आता था जो कि हम स्क्रूज से खोलते थे। इसको निकालने के लिए सिंपली एक साइड से आप इसे दबाएँ और स्लाइड करके निकल जाएगा। पेंटिंग करते वक्त ये फिल्टर भी गंदा हो जाता है तो इसको भी सॉल्वेंट की मदद से साफ़ कर लिया करें रेगुलरली, इससे एयर फ्लो बरकरार रहेगा और पेंट का स्प्रे अच्छा निकलेगा। इसकी नोजल के कंपोनेंट्स रिप्लेसेबल हैं, स्प्रे नोजल की टिप भी बदली जा सकती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से खोल के आप निकाल सकते हैं। जो दो ओरिंग्स दी गई है पेंट नोजल के, एक तो बैक साइड पर लगती है और एक नोजल के आगे की तरफ लगती है, लेकिन अगर आप इसको सही सॉल्वेंट से क्लीन करते हैं तो ये जो ओरिंग्स हैं आपको बिल्कुल भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बैक साइड में एक और अच्छा फीचर मुझे लगा कि इसमें आप एक्स्ट्रा नोजल्स रख सकते हैं। इसका नोजल का जो पैटर्न है दो तरीके से पेंटिंग करता है, एक तो अभी ये चौड़ाई में स्प्रे करेगा और अगर इसको आप ट्विस्ट कर देंगे तो अभी ये लंबाई में पेंटिंग करेगा, तो अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसी ज़रूरत हो, जैसी ऑब्जेक्ट्स पे आप पेंटिंग कर रहे हो। ऐसे ही जॉग व्हील से इसका या तो आप पैटर्न सर्कुलर कर सकते हैं या फिर एक लंबा पैटर्न कर सकते हैं। हर बार की तरह ट्रिगर स्विच में आपको पेंट की थिकनेस एडजस्ट करने के लिए एक स्विच मिल जाता है, जितना गहरा ट्रिगर स्विच को आप दबाएंगे उतना मोटा कोट पेंट का निकलेगा इस मशीन से। इसी कोट की थिकनेस अगर आप कम करना चाहते हैं तो स्विच को इस तरीके से एडजस्ट कर ले ताकि ज़्यादा गहरा दब ना पाए। गाइडेंस के लिए 1 से लेकर 3 तक मार्किंग्स मिल जाती है ट्रिगर के बॉटम एंड पे देखने को। अब अगर ब्रशेस से कंपेयर करा जाए स्प्रे मशीन्स हमेशा आपको बेटर पेंट की फिनिश देती हैं। स्प्रे कैंस का भी अगर हम इससे कंपेयर करें तो उतनी अच्छी उनसे पेंटिंग की परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल पाती, एक तो स्प्रे कैंस बहुत थोड़ा सा एरिया कवर करते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है और स्प्रे कैंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। वहीं पर अगर इस तरह की कोई भी पेंट स्प्रे मशीन आप ले लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अगर आपके ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ रेगुलरली पेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है आपके और आप लेबर बहुत ज़्यादा अपनी बचाना चाहते हैं पेंटिंग के दौरान, तो इस तरह की मशीन ज़्यादा अच्छी रहती है। ये पुराना वर्जन है जो बिल्ड स्किल की तरफ से आता था पेंट स्प्रे मशीन का और ये नया वर्जन है और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है फिज़िकल साइज़ में। बहुत से इंप्रूवमेंट्स करे हैं इन्होंने इस मशीन में। सबसे पहला इम्प्रूवमेंट तो यही कि इसका जो बेस है बहुत ज़्यादा पहले से चौड़ा बना है, रखने में बिल्कुल भी ये थोड़ा बहुत भी लुढ़कता नहीं है, नीचे बेस बड़ा है। कंटेनर इसका बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है पहले के मुकाबले, अब ये डबल कैपेसिटी होल्ड कर सकता है। पेंट फिल करना भी इसमें पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया गया है क्योंकि ऊपर ही इसमें जगह दी गई है, पेंट आप यहीं से रिफिल कर सकते हैं, पूरे कंटेनर को आपको बार बार अनस्क्रू नहीं करना पड़ेगा। मोटर का वेट भी पहले से बढ़ गया है और हीटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको, बल्कि इसकी बैक साइड पे इसकी एक्स्ट्रा नोजल्स को रखने के लिए कंपार्टमेंट बनाया गया है, इससे थोड़ी सी सहूलत हो जाती है, अलग से आपको कैरी नहीं करना पड़ता नोजल्स को।
पहले मैंने आपको कहा था कि इस पेंट स्प्रे मशीन को थोड़ा सा क्लीन करना टफ है, लेकिन इस मशीन में इस बात का कंपनी ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। बॉडी की फिनिश बहुत अच्छी है, पूरी राउंडेड है, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम इसमें कह सकते हैं कि है। बिल्ड क्वालिटी इस मशीन की पहले भी अच्छी थी और वैसे ही कंपनी ने इसको बरकरार रखा है। साथ में इसके स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो किसी भी स्पेयर पार्ट की अगर आपको जरूरत पड़ती है, बिल्ड स्किल की अपनी वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। घर पे ही ये कंपनी आपको स्पेयर पार्ट्स डिलीवर कर देती है, चाहे इसकी मोटर हो गई, इसकी ब्रशेज या फिर पेंट नोजल जो होती है आगे की ब्रास की, आपको वो भी अलग से मिल जाती है। और पावर कॉर्ड अक्सर कट जाती है पुरानी होकर, तो वो भी अलग से रिप्लेसमेंट में मिल जाती है। तो अब इसको अगर कंक्लूड करा जाए, एक वेल बिल्ड प्रोडक्ट है, अच्छे से परफॉर्म करता है। इसको डिटेल में यूज़ करने पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जाके देखने के लिए। तो उसमें और डिटेल में आप पेंटिंग करना सीख सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बारीकियाँ होती है पेंट करते वक्त जो लोग इग्नोर करते हैं, जिसके वजह से फिर उनको दिक्कत आती है। खासतौर से पेंट की विस्कोसिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करनी पड़ती है अगर आप स्प्रे पेंटिंग कर रहे हैं। शुरू में ये चीज़ आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन बाद में बहुत ही सिंपल हो जाता है। और जब आपको पेंट स्प्रे मशीन से पेंट करने की आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आप यकीन मानिए हाथ से पेंट करना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी निकल के आती है इससे, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है आपका। खासतौर से ऐसी सरफेस होती है जहाँ खड्डे खांचे ज़्यादा है, जहाँ ब्रशेज जा ही नहीं पाते, वहाँ भी ये मशीन अच्छे से पेंट कर पाती है। इसी कारण से सारे ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे स्प्रे पेंटिंग ही इस्तेमाल करी जाती है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये प्रोडक्ट आपको 3,000 रुपये के आसपास मिल जाना चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने या इसे खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है पेंट स्प्रे मशीन से जुड़े हुए तो कमेंट्स से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।